हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आपका न्यू ईयर अच्छा जा रहा होगा, नए साल में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो हम पहले एकेडमिक कंसेप्ट सीरीज के अंदर में नया कंसेप्ट है जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में अभी लॉन्च किया गया है, उसके अंदर फाइनेंशियली जो आउटले है वो जारी कर दिया गया है कि कितना पैसा उसको अलॉट किया जाएगा, किस स्टेज के अंदर में हम कैसे ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करने वाले हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, उसके बाद में हमें अलग अलग तरीके से हाइड्रोजन को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हाइड्रोजन ही यूज क्यों किया गया है क्लीन एनर्जी के लिए जो से ये प्रोग्राम आया है, तो उसके लिए हाइड्रोजन ही यूज क्यों किया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा ब्लू हाइड्रोजन क्या होते हैं, ग्रे हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, फिर इस मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया क्या अचीव करना चाह रहा है, इससे कितना हमारा टारगेट रहेगा, किस तक रहेगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं। इसके साथ में आप देख सकते हैं कि 16 जनवरी को हमारा आरएस का बैच भी शुरू हो रहा है, तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है, आपको बैच में अंदर में डेमो क्लासेस भी लेनी है, तो 16 जनवरी को आके आप ले सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज भी जो ऑलरेडी आपका अगर कुछ तैयार है, आपने कहीं से कर रखी है, कोचिंग कर रखी है, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज करनी है, तो मेंस की टेस्ट सीरीज हो, चिप्री की टेस्ट सीरीज हो, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर में भी आपको करंट अफेयर की मैगजीन्स हो गए, करंट अफेयर के जो क्लासेस हो गई यूट्यूब के साथ साथ में, एक्स्ट्रा आपको जो ये PDF है, ये PPTs है, वो भी उसके अंदर में करंट अफेयर वाले के अंदर में डाल दी जाएगी, ताकि आप अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में चलो शुरू करते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर में क्या दिया गया है। ये सबसे पहला अभी फर्स्ट फाइनेंशियल कमिटमेंट है जिसके बारे में पहली बार पैसा अलॉट किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सबसे पहले मोदी जी ने जनवरी 2021 में रेड फोर्ट में जो इंडिपेंडेंस डे वाली स्पीच थी उसके अंदर में ये बोला गया था कि नेशनल हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लाएंगे जिसके अंदर में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाएगा, ताकि कोल और क्लाइमेट चेंज की जो हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर में CO2 का इमिशन हो गया, ग्रीन हाउस के इमिशन है, उनको कम कर सके, और जो क्लीन एनर्जी की बात की गई थी, क्लीन एनर्जी हम 2050 तक नेट जीरो तक जाना चाह रहे हैं कि हम CO2 का ग्रीन हाउस के इमिशन का है उसका मिनिमम यूज हो, ताकि क्लाइमेट चेंज न हो, उसके लिए ग्रीन हाउस ये जो है अपने ग्रीन एनर्जी की जो बात थी उसको वहां पे उठाया गया था। तो उसके बाद में अब इसके ऊपर में प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, यूनियन कैबिनेट जो चेयर्ड बाय थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पहली बार इसके अंदर में 19,744 करोड़ का, ये याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, 19,744 करोड़ का एक आउटले दिया गया, मतलब पहली बार आप फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहे हो कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर में, वो भी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर में। तो हम ये इसका नोडल मिनिस्ट्री है जो आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर, किसी भी पीसीएस के अंदर एग्जाम में या UPSC में, नोडल मिनिस्ट्री कौन है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, याद रखना आसान होगा शायद, बिकॉज ये रिन्यूएबल एनर्जी की ही बात कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ही क्यों चूज किया गया है, और क्या ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा पहले हम हाइड्रोजन जो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे वो क्या क्यों नहीं फिजिबल थे, और उसके अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज डिफाइंड एज हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाई स्प्लिटिंग वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऐसी चीज है जो एलिमेंट्स ऐसा है जो इंडिपेंडेंटली अवेलेबल नहीं है, वो किसी और एलिमेंट के साथ में रहेगा, चाहे वो मीथेन की बात कर लो आप, चाहे आप वाटर की बात कर लो। तो सबसे ज्यादा हमें पता है कि H2O वाटर होता है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। तो जब आप ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हो उसका मतलब ये होता है कि जब वाटर से आप ये हाइड्रोजन निकाल रहे हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, देखो एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके थ्रू जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके वाटर से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हो, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी यूज हो रही है वो कौन सी है, कहाँ से आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आप हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन में डिवाइड करते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे सोलर हो गई, विंड हो गई, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करके आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर में वाटर से हाइड्रोजन को स्प्लिट कर रहे हो, तो वो जो हाइड्रोजन होगा उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। उसके अलावा भी कौन कौन से हाइड्रोजन, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो, तो वो बाकी जो हम अब तक यूज कर रहे थे उनमें प्रॉब्लम क्या थी, जैसे ग्रे हाइड्रोजन हो गया आपका, ब्लू हाइड्रोजन हो गया, वो भी एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, वहां से भी हम हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। लेकिन ग्रे हाइड्रोजन में क्या है कि ट्रेडिशनली प्रोड्यूस फ्रॉम, यहाँ पे मिथेन लेते थे आप, मिथेन में स्प्लिट विद स्टीम इंटू CO2, उसको किस में कन्वर्ट करते थे, CO2 में करते थे, जो कि क्लाइमेट चेंज का सबसे मुख्य कल्प्रिट माना जाता है आपके लिए, सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करता है क्लाइमेट चेंज को कौन कर रहा है आज के टाइम पे, CO2। तो देखो यहाँ पे जो मिथेन से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे हाइड्रोजन, उसमें CO2 निकल रहा था, ठीक है, और वो सीधा आप, और यहाँ से हाइड्रोजन तो मिल रहा था, लेकिन जो आपका CO2 रिलीज हो रहा है वो आपका क्लाइमेट चेंज में
अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली हायर CO2 इमिशन हो रहा था। अब बात आ रही है कि आपका CO2 और क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन है जो क्लाइमेट चेंज कर रही है, उन्हीं को तो कम करना है। तो सबसे ज्यादा क्या है, ग्रे हाइड्रोजन, अगर आप वहां से हाइड्रोजन यूज भी कर रहे हो तो लेकिन CO2 वहां इमिशन ज्यादा हो रहा है, इसलिए ग्रे हाइड्रोजन अभी यूजफुल रहा नहीं है। इसके अलावा भी आप जैसे कोल एनर्जी है, ज्यादातर इंडिया के अंदर में कौन से कहां से आप एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से प्रोड्यूस हो रही है, कोल से हो रही है। तो कोल का यूज करके अगर आप हाइड्रोजन ले रहे हो तो वहां भी ग्रे की बजाय आप ब्लैक हाइड्रोजन बोला जाएगा उसको, क्योंकि उसमें CO2 की जो इमिशन मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो CO2 का इमिशन हो रहा है तो इसलिए ग्रे और ब्लैक हाइड्रोजन का यूज कम करना है हमें। इसके अलावा एक रहता है ब्लू हाइड्रोजन, सेम चीज रहेगी, इसके अंदर में भी आपका ग्रे की तरह फॉलो रहेगा, लेकिन इसके अंदर में आप एक एडिशनल टेक्नोलॉजी लगा रहे हो कि CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है उसको आपको वाटर के अंदर में कैप्चर करना है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ब्लू हाइड्रोजन। तो यहां पे 80-85% आप CO2 कैप्चर कर सकते हो, लेकिन देखो एक तो CO2 प्रोड्यूस करने के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैप्चर करने में खर्चा आ रहा है, उसको स्टोर करना है, और वो भी 100% आप कर नहीं पा रहे हो, 80-85% ही कर पा रहे हैं, इसलिए हम ब्लू हाइड्रोजन इसका नाम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ये क्लाइमेट चेंज में अपना CO2 है वो क्लाइमेट चेंज के लिए माना जाएगा, कारण माना जाएगा, बिकॉज अभी भी 15% CO2 है वो आपका एटमॉस्फेयर में जा रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप हाइड्रोजन एज ए क्लीन एनर्जी नहीं बोल सकते, बिकॉज यहां भी आप हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो प्योर क्लीन एनर्जी नहीं है। प्योर क्लीन एनर्जी सिर्फ एक ही अभी तक हाइड्रोजन है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। इसलिए अब ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर में मिशन लाया गया है। आपको ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन पता लग गई, यहाँ पे ब्रॉड देखो, यहाँ पे 100% CO2 प्रोड्यूस हो रही है, जहां पे आप कैप्चर भी कर लोगे तो भी आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये देखो ग्रे हाइड्रोजन, यहाँ पे गैसिफिकेशन प्रोसेस से मीथेन का या फिर कोल उनके यूज करके आप हाइड्रोजन कर सकते हो, लेकिन ये अभी बिल्कुल भी क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर आप कह सकते हो क्लीन एनर्जी में योगदान नहीं देगा। इसी तरह के ब्लू हाइड्रोजन रह गया, ये भी आपका 80-95% तक भी कैप्चर कर सकते हो तो भी योगदान नहीं देगा। इसके अलावा एक होता है टर्कोइज हाइड्रोजन भी बोलते हैं, जिसमें ये बोला गया कि मीथेन का पायरोलिसिस करके भी आप हाइड्रोजन अचीव कर सकते हो, हाइड्रोजन का यूज आप एनर्जी में फिर कर सकते हो, लेकिन इसके टेक्नोलॉजी है वो एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक वाइबल नहीं है, ये बनाना अभी पॉसिबल नहीं है, इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ आने वाले सालों में आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि आप इसके अंदर में 95% तक आपका CO2 बच जाएगा, ठीक है, आप रोक सकते हो उसको, सॉलिड बना सकते हो। पायरोलिसिस का मतलब ये होगा कि CO2 को आप सॉलिड फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, तो ये भी एक इफिशियंट टेक्निक हो सकती है, लेकिन इसका वाइबल नहीं है। वाइबल सिर्फ एक टेक्निक है अभी, जो है ग्रीन हाइड्रोजन की अभी आई है, जिसके अंदर में आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके वाटर से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू आप हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, वाटर से हाइड्रोजन आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, और इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस में जो एनर्जी यूज हो रही है वो आपको करनी है रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें किसी प्रकार का CO2 का इमिशन नहीं है, बिकॉज लास्ट में ऑक्सीजन बचती है, उसके अलावा आपका जो यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी वो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर हो, विंड हो, या कोई सी भी एनर्जी हो, तो उसके अंदर में किसी भी प्रकार का यहां पे ऐसा इमिशन नहीं हो रहा है गैस का जो आपको क्लाइमेट चेंज के लिए क्लाइमेट को अफेक्ट करे, क्लाइमेट चेंज करे, ठीक है। इसलिए ये क्लीन एनर्जी, प्योर क्लीन एनर्जी है, तो इसलिए इसके ऊपर में इतना फोकस किया गया है। अब इसमें गवर्नमेंट अचीव क्या करना चाहती है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव, क्या मिशन है हमारे, तो इसके अंदर में सबसे बेस्ट ये मिशन लाया इसलिए गया था कि नेट जीरो जो हमें 2050 तक अचीव करना है उसको हम अचीव कर पाए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि हाइड्रोजन ही क्यों यूज किया गया, उससे पहले ये देख लेते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन में क्या है, अब आप कह रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हो तो सीधा रिन्यूएबल एनर्जी ही यूज कर लो, हाइड्रोजन की क्या जरूरत है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का इतना प्रोडक्शन इस लेवल पे नहीं हो सकता जितना हम हाइड्रोजन के यूज करके क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे, और हाइड्रोजन से जो क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स है उनके अंदर में यूज किया जा सकता है, बिकॉज देखो हाई एनर्जी कंटेंट है पर यूनिट ऑफ वेट, यानी एक किलो हाइड्रोजन का बोला जाए तो उसके अंदर में जितनी आपको एनर्जी मिलेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी, तो ठीक है। इसलिए हमने बोला है जैसे रॉकेट फ्यूल है उसमें भी है, जैसे हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल है, देखो हाइड्रोजन यूज हो रहा है बिकॉज एनर्जी इंटेंसिव है। इसी तरीके से हम अगर हाइड्रोजन करें, एक जीरो इमिशन रहेगा, दूसरा आपका एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर के अंदर में एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है फ्यूचर के अंदर में वो पूरी की जा सकती है, इसलिए हमने हाइड्रोजन का ही सोर्स उपयोग में लिया है। इट कैन बी यूज टू फ्यूल सेल्स फॉर कार, कार के अंदर में भी जैसे फ्यूल यूज कर सकते हैं, आगे अगर इलेक्ट्रिक बैटरी आती है उसके अंदर में भी आपको चाहिए होगा कि जैसे लिथियम आयन बैटरी है उसकी जगह कोई रिप्लेस कौन सा करेगा, तो हाइड्रोजन वाली कोई
बैटरी है वो रिप्लेस कर सकती है, या एनर्जी इंटेंसिव है जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, स्टील मैन्युफैक्चरिंग होगी, जहां पे एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहां पे हाइड्रोजन एज एनर्जी सोर्स यूज किया जा सकता है, बिकॉज पर वेट के अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करवाता है। अब जो ये मिशन आया है उसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि किस तरीके का ऑब्जेक्टिव है, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो 2030 तक इसके आउटकम्स हमने डिसाइड किए हैं, पूरे डेकेड के कर लिए कि 2030 तक क्या करेंगे हम। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है, देखो पहले इसमें क्या चाहिए होगा, आपको हाइड्रोजन प्रोडक्शन होनी चाहिए आपकी कैपेसिटी, कि हाइड्रोजन आपके पास हाइड्रोजन प्रोड्यूस होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे प्रोसेस है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइटर चाहिए होता है उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, तो उसकी आपकी यूनिट चाहिए होती है, तो जो जो कंपोनेंट है उनको प्रोड्यूस करना है। तो पहले सबसे पहले क्या करोगे, हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करनी होनी चाहिए 5 मिलियन मीट्रिक टन की होनी आपके हो जानी चाहिए पर एनम, एक एनम के अंदर में 5 मिलियन मीट्रिक टन की आपकी हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी करनी है विद एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 125 मेगावाट इन दी कंट्री है। ठीक है, तो इससे 125 जो है यहाँ पे 125 गीगावाट की एडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी आपकी इससे प्रोड्यूस हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी को 5 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम हर जो है साल है आपको ये 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है। दूसरा क्या रहेगा इसके बाद में, 8 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा इसके अंदर में। कितना रहेगा कि हम टोटल कितना इन्वेस्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव होना है डिसाइड करते हैं ना कितना करेंगे, 8 लाख इसमें करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और 6 लाख आपको इसके साथ में जॉब, जहां भी इन्वेस्टमेंट हो तो वहां पे जॉब का भी लिख सकते हो आप कि कितनी जॉब होगी, 6 लाख जॉब तक प्रोवाइड करवाई जाएगी इस मिशन के थ्री, और क्यूमुलेटिव रिडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट ऑफ 1 लाख करोड़। अगर आपका रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो रही है 125 गीगावाट की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा कोल, तो वहां पे कितना पैसा बचेगा अपना, 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ तक का फॉसिल फ्यूल जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको में कमी लाई जाएगी, और नियरली 50 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस का इमिशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी के लिए तो लेके आए हैं कि कितना इमिशन ग्रीन हाउस गैस का इमिशन का कम हो जाएगा आपका, 50 मिलियन मीट्रिक टन का ये बोला गया है कि इसमें ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है वो कम हो जाएगा। तो देखो ये चीज ध्यान रखनी है कि एक तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए 5 मिलियन मीट्रिक टन, दूसरा ये बात कही कि रिन्यूएबल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी 125 गीगावाट, इससे अपने को कितना इन्वेस्टमेंट करना है 8 लाख करोड़ का, कितना आपको जॉब मिलेगी 6 लाख जॉब मिलेगी, क्यूमुलेटिव फॉसिल फ्यूल का जैसे अगर अपने पास रिन्यूएबल एनर्जी है तो जो फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कितना नहीं करना पड़ेगा, 1 लाख करोड़ तक का अपना फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट का खर्चा बचेगा, और 50 मिलियन मीट्रिक टन का जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है क्लीन एनर्जी अपने जनरेट करने की वजह से बचा सकते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या है देख लेते हैं, डिसएडवांटेज क्या है जो ग्रीन हाउस गैस के, दिस एनर्जी सोर्स हैज प्रो एंड कॉन्स। तो 100% पहले क्या बोला गया, सस्टेनेबल एनर्जी है कि बिकॉज अगर आप एक बार इलेक्ट्रोलाइटर प्रोसेस से रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके कितना भी पानी है उसी से कितना भी हाइड्रोजन आप क्रिएट कर सकते हो, तो 100% सस्टेनेबल है। ग्रीन हाइड्रोजन डस नॉट इमिट पोल्यूशन गैस आइदर ड्यूरिंग कंबशन में भी नहीं होगा और प्रोडक्शन में, नहीं तो प्रोड्यूस करते टाइम नहीं होगा, नहीं आप जब ईंधन को जलाते हैं तब आपकी जो CO2 SO2 जनरेट होती है इसके अंदर में बिल्कुल क्लीन एनर्जी है, कंबशन के दौरान भी आपको बिल्कुल कोई भी तरीके का पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। दूसरा तो 100% सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म यूज होगा। दूसरी स्टोरेबल है, इसको आप स्टोर कर सकते हो, हाइड्रोजन इज इजी टू स्टोर, दूसरों के बजाय आप आसानी से स्टोर कर सकते हो, तो इसका आप लंबे टाइम तक लंबे पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और वर्सेलिटी एक होती है कि ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड सिंथेटिक गैस एंड यूज्ड फॉर कमर्शियल इंडस्ट्रियल, किसी भी कमर्शियल पर्पज के लिए आपको डायरेक्ट एनर्जी के लिए चाहिए या इसका यूज करके कोई और सिंथेटिक गैस बनानी है किसी भी और यूज में भी इसको काम किया जा सकता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन H2 गैस के रूप में ही यूज किया जाएगा, जो एनर्जी के लिए यूज किया जाएगा, इसका यूज करके अगर कोई और गैस बनानी है आपको, कोई और प्रोडक्ट बनाना है, तो उसमें भी ये यूज किया जा सकता है। तो जितना आपके पास होगा उतना उसके अकॉर्डिंग आप यूज में ले सकते हो। अब डिसएडवांटेज क्या रहेगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो अभी इतना प्रोडक्शन वायबल नहीं है, इसका जो खर्चा है जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, एक तो अभी हाई कॉस्ट रहेगी। ठीक है, कि अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बना रहे हो तो ये अभी एक्सपेंसिव बन रहा है। तो इस मिशन का काम ही यही है कि आपको सब्सिडी दी जाए, नीचे वाले जो डोमेस्टिक सेक्टर है उनको सब्सिडी देके, या उनको प्रोडक्शन जैसे सब्सिडी है उसकी देने की बात की गई है, तो जितना सब्सिडी देके ये वाली जो कॉस्ट है इस मिशन के थ्रू, ये हाई कॉस्ट है, उसको आपको कम करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, एक बार प्रोडक्शन शुरू हो गया जैसे अभी 350 to 400 के रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग कॉस्ट आ रही है हाइड्रोजन जनरेशन इलेक्ट्रोलाइसिस से, इसको लेके आना है 100 रुपीज के अंडर में, ताकि तभी वाइबल हो पाएगा, कि तभी लॉन्ग का लार्ज स्केल पे बैटरी प्रोडक्शन हो पाएगा, लार्ज स्केल पे आप एनर्जी प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है, हाई एनर्जी कंजम्पशन, इसके अंदर में जो यूज हो रही है एनर्जी, दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो यूज हो रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी अपने को यूज करनी है, और पार्टिकुलर इसमें अंदर में जो
ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी है वो ज्यादा यूज हो रही है, तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी का कुछ पोर्शन है वो भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इसलिए आपको रिन्यूएबल दूसरी एनर्जी सोलर है, विंड है, उनकी कैपेसिटी भी बराबर बढ़ानी पड़ेगी। तीसरा रहेगा सेफ्टी इश्यू, जब आप किसी चीज को स्टोर करते हो तो उसके साथ में हमेशा सेफ्टी इश्यू आते हैं, तो इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज ये हाईली वोलेटाइल है, सिंगल एलिमेंट में रखना इसको बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है, उसके लिए आपको सेफ्टी इश्यू का ध्यान रखना पड़ेगा कंटेनर्स हो या कहीं भी आप स्टोर करते हो। तो इस तरीके की इसके हमने देखा कि इसके अलग से एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, इसीलिए मिशन लाया गया है ताकि इसको एक वाइबल सेफ क्लीन एनर्जी के तौर पे हम यूज कर पाए। तो हाउसफुली आपको ग्रीन हाइड्रोजन समझ आ गया, ब्लू हाइड्रोजन समझ आ गया, मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इस मिशन की वजह से जिसके इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर में, और डिसएडवांटेज जिनको दूर करने के लिए ये मिशन लाया गया है वो क्या क्या है। तो थैंक यू सो मच, आपने देखा। और आपको अगर RS के रिलेटेड टेस्ट सीरीज हो, बैच हो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी ज्वाइन करना चाहें बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर होंगे आपके, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए जहां पे आपको PDF वगैरह इनकी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।